सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स को और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूले हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोजर, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों चाहे पिन लॉक हो या पैटर्न लॉक, आप अपनी पावर बटन, जी हाँ दोस्तों ये पावर बटन जो देख रहे हैं इससे कोई भी लॉक आसानी से ब्रेक हो सकता है, कोई भी लॉक आसानी से टूट सकता है। तो ये कैसे होगा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए किसी का आप मोबाइल फोन लेते हो तो हर एक चीज जो है लॉक करके रखता है, कुछ भी ओपन नहीं कर सकते जब तक आप पासवर्ड या फिर पिन नहीं डालेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप पावर बटन का इस्तेमाल करके सारे के सारे जो है लॉक को आसानी से तोड़ सकते हैं, कुछ भी उसका ओपन करके देख सकते हैं, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये सब कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों पुरानी ट्रिक क्या थी, कोई भी जो है लॉक हो, जैसे कि मान लीजिए ये लॉक जो है लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए हर एप्लीकेशन में या हर एक चीज में लॉक लगा है, तो आप इसे ब्रेक करने के लिए आप जो है सेटिंग में चले जाते थे, सेटिंग में जाके जो ऐप लॉक लगा था उसे आप फोर्स स्टॉप कर देते थे। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कोई सेटिंग ही लॉक किया है तो आप सेटिंग में जाएंगे कैसे, इस एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप करेंगे कैसे? इसे फोर्स स्टॉप करने के लिए आपको तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके अलावा ये कहीं से और फोर्स स्टॉप नहीं होगा। तो हर एक चीज जो है लॉक है, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ तक डायल भी ओपन करेंगे तो लॉक है। तो ये सब लॉक कैसे हटाएंगे वो भी सिर्फ पावर बटन से, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सिंपली आपको जो है अपना पावर बटन जो है 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पावर ऑफ का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको इस पे 2 सेकंड के लिए फिर से प्रेस करना है। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेफ मोड दिखाई देगा, आपको सिंपली सेफ मोड में चले जाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए सेफ मोड जो है ओपन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए सेफ मोड ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ मोड लिखा हुआ भी आ रहा है, तो हम इसे अनलॉक कर लेते हैं सिंपली। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए हम इसे अनलॉक कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हो वो यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप देख लीजिए व्हाइट व्हाइट आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख लीजिए कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, सिर्फ आप उसे को ओपन कर सकते हैं जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से आई थी, मतलब मोबाइल के साथ। तो सिंपली यहाँ से आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कोई भी लॉक नहीं मांगने वाला है, यहाँ से ओपन करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन में चले जाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए एप्लीकेशन में आप चले जाइए, उसके बाद जो है आपको यहाँ से ऐप लॉक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो भी लॉक था वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसे जो है यहाँ से फोर्स स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर डेटा कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ हो चुका है, इसे भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको होम पे चले जाना है, जी हाँ दोस्तों होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे पावर बटन फिर से 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ से जो है रिस्टार्ट कर दीजिए फोन को। यहाँ पे आप देख लीजिए हम रिस्टार्ट कर रहे हैं फोन, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा रिस्टार्ट होने में। तो फाइनली यहाँ पे आप दोस्तों देख लीजिए हमारा फोन जो है रिस्टार्ट हो चुका है, हम इसे जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ओपन हो चुका है हमारा फोन, उसके बाद जो भी आप ओपन करेंगे यहाँ पे सब कुछ जो है अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो ओपन करना चाहे वो ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ जो भी पहले लॉक था सब कुछ जो है अनलॉक हो चुका है, अब जो चाहे वो आप इस फोन में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूले और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए डेली एक नए नए वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।